बीस्ट गोहान। गोहान की एक न्यू फॉर्म है, बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के, जो बेहद ही कमाल की होने के साथ साथ इतनी ताकतवर है कि फैंस यकीन ही नहीं कर पा रहे कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टक्कर देने के लिए भी कोई फॉर्म आ पाएगी। लेकिन गोहान ने ऐसा कर दिखाया है। लेकिन बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के कैसे गोहान ने ये कर दिखाया है, जिसका जवाब हमें पिकोलो की एक बात से मिलेगा जो मूवी में हम लोगों ने देखी है और सैयन सेल्स के कॉन्सेप्ट से। तो आज डिटेल में एक एक चीज को समझेंगे कि गोहान ने इस फॉर्म को अनलॉक कैसे किया है, ये कौन सी फॉर्म का अपग्रेड है, ये फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो के मुकाबले कितनी ताकतवर है, और सबसे लास्ट में क्या इस फॉर्म को हम आने वाले ड्रैगन बॉल सुपर के न्यू सीजन में देखेंगे या नहीं, और क्या इस फॉर्म का फ्यूचर स्कोप है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं गोहान की इस न्यू बीस्ट फॉर्म के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल पर भी। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मिलेगा मोटिवेशन और मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए ऐसी ही अमेजिंग ड्रैगन बॉल से जुड़ी वीडियोस और मेरी फैन मांगा सबसे पहले। तो पॉइंट नंबर वन, गोहान ने इस फॉर्म को अनलॉक कैसे किया है बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के। तो बहुत से लोग इस चीज से बहुत ज्यादा निराश हैं, चाहे मैं बात करूं इंडिया की या इंडिया से बाहर के फैंस की, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गोहान जो बहुत कमजोर था, अब देखते ही देखते बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो उसका जवाब भी ड्रैगन बॉल सुपर में छुपा है। तो सबको याद होगा कि कैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम से पहले गोहान ट्रेनिंग करता है और लगभग एक सुपर सैयन ब्लू के बिल्कुल लो या मीडियम लेवल जितना गॉड लेवल हासिल कर लेता है। लेकिन इसमें कमाल की बात क्या थी, तो अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो गोहान एक हाफ सैयन होने की वजह से और गोकू जैसे फाइटर के बेटे होने की वजह से एक ऐसी क्वालिटी रखने वाला फाइटर सैयन है कि जो चीज दूसरे सैयंस या फाइटर्स बहुत देर में सीखते हैं, गोहान उस चीज को बहुत जल्दी सीख लेता है दूसरों के मुकाबले। और इतना ही नहीं, उसका पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। और सुपर हीरो मूवी में एक सेम मोमेंट जो ड्रैगन बॉल जी में हुआ था वो रिपीट होता है। जैसे गोकू को पता था कि गोहान के अंदर गोकू से ज्यादा पोटेंशियल है, तो सेल गेम्स के दौरान गोकू बस वेट करता है कि किसी भी तरीके से गोहान अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए मजबूर हो जाए। तो वही सेम चीज सुपर हीरो मूवी में भी होती है, जब पिकोलो उसे कहता है कि गोहान तुम अगर चाहो अपनी शक्ति को अनलॉक कर सकते हो, तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना होगा और फिर तुम सबको बचा लोगे। तो उसके कुछ टाइम बाद पिकोलो सेल से मरते मरते बचता है, तो बस गोहान बावला हो जाता है और आखिरकार हमें देखने को मिलती है बीस्ट गोहान फॉर्म। तो ऐसे गोहान ने इस फॉर्म को हासिल किया है मूवी में। बाकी अगले महीने मूवी आ ही जाएगी, तो तब देख लेना। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि एक फुल मूवी की ब्रेकडाउन वीडियो बना दूं, क्योंकि मूवी हिंदी में तो नहीं आएगी इंडिया में। तो आप लोग मूवी देखने से पहले कुछ ऐसी चीजें जिनसे कंफ्यूजन हो सकता है वो चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अगर आप लोगों को उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हो सकता है कि इस वीडियो को मैं दो या तीन पार्ट्स में बनाऊं, क्योंकि आप लोगों को पता है वरना एक पूरी मूवी बना दी तो फिर मैं खतरे में आ जाऊंगा। तो अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर टू पर कि ये फॉर्म किस फॉर्म का अपग्रेड वर्जन है। तो बेसिकली ये फॉर्म एक कॉम्बिनेशन है गोहान की अल्टीमेट फॉर्म का और सैयन सेल्स के बहुत ज्यादा होने का, इसीलिए इस फॉर्म को बीस्ट नाम दिया गया है। क्योंकि अकीरा टोरियामा सर ने पूरी कोशिश करी है कि इस फॉर्म को दिखने में कूल होने के साथ साथ एक सैयन वाली खूंखार लुक भी दी जाए। हालांकि बहुत से लोग इस फॉर्म के लंबे हेयर से खुश नहीं है, लेकिन मुझे ये स्पाइकी हेयर बहुत ज्यादा पसंद आए गोहान के। तो ये फॉर्म गोहान की अल्टीमेट फॉर्म प्लस सैयन सेल्स पोटेंशियल अनलॉक्ड का एक कॉम्बिनेशन है। और शायद गोहान का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसी वजह से उसकी आईज ब्लडी आईज बहुत ऑसम आईज है। मतलब इस फॉर्म के अगर मैं लुक्स की बात करूं तो बहुत ही कमाल का है। और इवन मैं तो ये भी चाहूंगा कि चाहे सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में ही सही, गोकू और वेजिटा और बाकी के जो सैयंस हैं वो एक एक बार इस फॉर्म को हासिल जरूर करें, आखिर पता तो लगे कि उनका लुक कैसा होगा इस फॉर्म में। तो अब बात कर लेते हैं कि ये बीस्ट सैयन फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट
मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो के मुकाबले कितनी ताकतवर है, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने इस चीज पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन कुछ फैंस बस बिना वीडियो देखे बोल देते हैं कि ये फॉर्म बेकार है उस फॉर्म से, या वो फॉर्म बेकार है उस फॉर्म से। कोई नहीं समझना चाहता कि एक्चुअली में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, ड्रैगन बॉल के इस टाइम पावर लेवल्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें अपना बेसिक तो क्लियर रखना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि फैंस होने के नाते हम अपनी बात रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एज अ फैन। तो अकीरा सर ने बताया है कि ये मूवी डायरेक्ट सुपर ब्रॉली मूवी के बाद की एक कॉन्टिन्यूएशन है, उसका अगला भाग है। तो अब आप लोग उस गोकू और वेजिटा को याद करो जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम में थे, उसके एंड में, और उस गोकू और वेजिटा को इस गोहान से कंपेयर करो। और ध्यान रखना, वो गोकू पहले बार मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करता है और बाद में उसका हर जाना भी उसे भुगतना पड़ता है, तो वो बहुत ही ज्यादा वीक गोकू है अब के मांगा वाले गोकू के मुकाबले। और दूसरा, वो वेजिटा जो सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन को अचीव करता है, वो वेजिटा और अब के वेजिटा में जमीन आसमान का अंतर है, और वो वाला वेजिटा बहुत ज्यादा कमजोर है। तो इसीलिए बीस्ट गोहान उस वाले गोकू और वेजिटा से ज्यादा ताकतवर है, ना कि इस मांगा वाले गोकू और वेजिटा से। तो मैं समझ सकता हूँ कि अब बहुत जो लोग जिन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था वो अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हाँ भाई, गोकू और वेजिटा ताकतवर है अब के हिसाब से जो गोकू और वेजिटा मांगा में है। तो उन फैंस को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या गोहान ब्रॉली को हरा सकता है उसकी बर्सर्क फॉर्म में। तो मैं सोच रहा हूँ उस पर भी एक वीडियो बना दूँ, अगर ठीक ठाक कमेंट में आप लोग रिस्पॉन्स दे दो और इंटरेस्टेड हो तो। और हाँ, अगर आपको मेरी बनाई हुई मांगा के बारे में नहीं पता है तो आप ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ पर उस पूरी टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स की मांगा को देख सकते हो, जिसके 3 चैप्टर्स आ चुके हैं और चौथा चैप्टर जल्द ही आने वाला है, क्योंकि उस पर चल रहा है फुल पावर काम और बीच में काम रुक गया था। वो मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बता दिया था कि क्यों, उसका लिंक भी आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टा पर क्रिजिटा आर्मी के 500 फॉलोवर्स होने वाले हैं, तो मुझे आप इंस्टा पर भी सपोर्ट कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। बस मुझे वेट नहीं हो रहा कि कब 500 हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट की, कि इस फॉर्म का फ्यूचर स्कोप क्या है, जिसका सवाल बहुत ही सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड दोनों है, क्योंकि एक तरफ इस फॉर्म को हाफ साइंस के लिए बनाया गया है, और क्योंकि उनको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो नहीं दे सकते, तो हाफ साइंस बस इस बीस्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और स्पेशली गोहान। और अगर ऐसा है तो आगे जाके गॉड्स के कॉन्सेप्ट से गोकू और वेजिटा भी अलग हो जाएंगे, जो कि बहुत कमाल की बात होगी। लेकिन फिर किस तरह की फॉर्म्स गोकू और वेजिटा अनलॉक करेंगे, तो थोड़ा सा आइडिया वही मैंने अपनी फैन मांगा में दिखाया हुआ है। आप अपने भाई को इंडिया का पहला ड्रैगन बॉल फैन मांगा क्रिएटर बोल सकते हो, हालांकि फालतू का शो ऑफ करना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। और लास्ट चीज है इस फॉर्म के सीक्रेट्स। तो इस फॉर्म के सीक्रेट्स और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सीक्रेट्स और अल्ट्रा ईगो के सीक्रेट्स, इस पर मैं अभी थोड़ा सा देख रहा हूँ कि क्या चीजें हैं क्या नहीं, और इन चीजों पर भी जल्द ही वीडियो आ जाएगी। तो अपने भाई क्रिजिटा को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और क्रिजिटा आर्मी का हिस्सा बनना भी। तो वीडियो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, एम रखते हैं 3000 लाइक्स का। हाँ, मेरी लिमिट से बाहर हो गया है, लेकिन रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहा मेहा।